करें थोड़ी सी भारत की, वहां पे जैसे हमारे यहाँ टेक्स्ट बुक्स पे अक्सर एतराज होता रहता है कि कुछ ना कुछ गलत होता है, सिर्फ वहां से वो सुनने में आ रहे कि जो मुगल्स थे उनके बारे में जो कुछ टेक्स्ट बुक्स में वो हटाया जा रहा है, कहाँ तक आज आपको मैं लगता जो है ये बात सही कर रहा है? था, आज सुबह मैंने जो दो, मेरी आदत है सुबह उठ के मैं इंटरनेशनल मीडिया पे नजर दौड़ाता हूँ, तो दो चार चीजें निकल रही सामने आ रही हैं। आज गार्डियन जो कि ब्रिटिश एक पेपर है, उन्होंने भी लिखा है और न्यूयॉर्क पोस्ट ने भी लिखा है कि वहां से मुगलों की हिस्ट्री को निकाला जा रहा है। मैं ठीक है, निकालना चाहिए उनको, मैं समझता हूँ। माइनॉरिटी थी, इन्वेडर थे, आए, जुल्म किया, बहुत जुल्म किया उन्होंने, थोड़ा सा जुल्म नहीं किया, बहुत ज्यादा जुल्म किया, मैं एग्री करता हूँ। मेरे वो हीरो नहीं है, मेरे हीरो नहीं है। मैं इस पे पहले मैं करेक्शन कर दूं, मेरे हीरो नहीं है वो, मेरी नजर में वो इन्वेडर थे इस लैंड। और जो भी इन्वेडर आता है जुल्म करता है, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे ये हो, चाहे वो कोई भी इन्वेडर हो, वो आके ओप्रेस करता है, वो इस तरह को, इतनी आसान बात नहीं होती वो उससे डील करना, उन्होंने किया। बल्कि मैं आपको आज आरजू एक मैं बड़ी एक और बात बताना चाहूंगा, मैंने अक्सर लोगों को नहीं बताई, मैं भारत बड़ी दफा गया हूं, आज तक ताजमहल नहीं गया। मैं एक दफा सरकारी डेलीगेशन के साथ गया था, सारा डेलीगेशन चला गया था बस में बैठ के, मैंने नहीं, मैं एहतजाजन नहीं गया था। मुझे शाम को वो सारे अमेरिकन टेबल पर बैठे डिनर पे, उन्होंने पूछा कि बड़ी अनहोनी बात है कि इतनी सेवंथ वंडर ऑन द प्लेनेट, हम सब अमेरिका से आके बस में बैठ के तो आगरा गए थे, आज आप नहीं गए। मैंने कहा था मैं एहतजाज के साथ नहीं गया, क्योंकि एक मुगल शहजादे ने भारत की गुर्बत का मजाक उड़ाया था, और उसने इतना पैसा उस ताजमहल पे लगाया था कि उस बिल्डिंग के खर्चे के बाद इंडिया बिकेम इतना वीक हो चुका था, ब्रिटिश कॉलोनी बन गया था। और शहजादे का मजाक क्या था, कहते हैं उसने मोहब्बत की निशानी बनाई, साथ ही उसी मोहब्बत की छोटी बहन से शादी कर ली उसने, और उसकी पता नहीं कितनी, यार पता कितनी बीवी थी उसकी, वो पहली बीवी तो थी नहीं उसकी। जी एक में देखे ना, क्या कहते हैं जी मोहब्बत की निशानी है, कौन सी मोहब्बत की निशानी यार, वो पहले किसी और की बीवी बिल्कुल थी, फिर इसकी बीवी बनी, फिर इसके उसने मोहब्बत में गया, वो मर गई, एक इतनी बड़ी महंगी बिल्डिंग बना के उसकी बहन से शादी कर ली, ये मोहब्बत है। तो दूसरा, हाँ मैं ये जरूर कहूंगा, बल्कि मैं चाहूंगा कि हिस्ट्री को किताबों से निकालने से हिस्ट्री खत्म नहीं हो जाती। बिल्कुल यही बात है, ट्रू। अमेरिका के अंदर इस वक्त स्लेवरी के खिलाफ एक मुहिम चल रही है, हर स्टैचू है जो स्लेव ओनर है उसके स्टैचू को गिराया जा रहा है। मैंने अगले दिन इसमें पढ़ा, जॉर्ज वॉशिंगटन के पास 125 या 129 स्लेव्स थे, उसका ये टाइटल किस तरह खत्म कर सकेंगे, फादर ऑफ द नेशन, इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, उसके ये एक्ट जो था उसको कंडेम करें, स्लेवरी उस वक्त जब जॉर्ज वॉशिंगटन के दौर में स्लेवरी थी, उस वक्त स्लेवरी पार्ट ऑफ द कल्चर और ट्रेडिशन और इकॉनमी थी, जो कि गलत बात थी, उस प्रैक्टिस को कंडेम करें। आज मैं ये चाहूंगा कि मुगलों की हिस्ट्री को इस तरह खत्म करने की बजाय कंडेम करें कि मुगलों ने जो बिल्कुल किया था गलत किया था उन्होंने, बिल्कुल अपन उससे एक और तकवीयत है, आपकी आने वाली नस्लें ये भी सीखेंगी कि हमने दोबारा ऑपरेशन एक्सेप्ट नहीं करना, उससे सबक बिल्कुल सीखे, हमने दोबारा किसी इन्वेडर को यहां पे इन्वेड करने की इजाजत नहीं देनी, गलतियों से सबक सीखे जाते हैं, मैं ये चाहूंगा। बाकी देखें फिर, वहां जो लोग हैं मेरे ख्याल में पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, भारत में जो कर रहे होंगे कुछ सोच समझ के कर रहे होंगे, लेकिन इसको वेस्टर्न मीडिया जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक इसको क्रिटिसाइज कर रहा है। मैंने जिस तरह बताया है कि अगर मुझसे पूछा जाए तो उनको बताना चाहिए कि उन्होंने यहाँ आए, उन्होंने क्या जुल्म किया हमारे इसको लोकल ट्रेडिशंस कल्चर को किस तरह उन्होंने खराब किया। मैं समझता हूँ कि वो, मैंने जिस तरह आपको बताया, मैं जिस एरिया से हूँ वहाँ, मैं गुजरांवाला जहाँ महाराजा रणजीत सिंह थे, मेरी जाट बरादरी से थे, मैं खुद जाट हूँ उनको, और मैं समझता हूँ कि मेरे ही वॉज माई हीरो, महाराजा रणजीत सिंह वॉज द ओनली लोकल रूलर और हीरो ऑफ दैट एरिया। एंड उसके बाद दुल्ला भट्टी बड़े मशहूर हैं, वो जाट बरादरी से थे, ही वाज अगेंस्ट मुगल्स। दूसरा ये कि मैं जिस तरह जो कुछ भी मुगलों ने किया, एक मुगल तो नहीं आया ना यहाँ पे, तो फिर इन्होंने हमारे पठान भाइयों ने जो पहाड़ों से उतरते थे, इन्होंने तो फिर एक कारोबार बना लिया ना, और एक जुल्म नहीं बिल्कुल करते रहे, हजारों जुल्म किए इन्होंने, हमारी बच्चियां यहां से लेके जाते, काबुल में बाजार लगता था लड़कियों का, मैं क्या बताऊं। ये कहते फिर ये मौलवी के लोग कहते हमारे ये हीरो हैं, हीरो हैं, इनमें जो आपके यहाँ पे रूलर रहे हैं आरजू, उनके हर एक के अंदर, हरम के अंदर 300-300 खवातीन होती थी,
हर खान भाई जो पहाड़ियों से उतर के आया वो शराब का शौकीन था, वो शराब पीता था, वाइन पीते थे, और दाढ़ियों वाले आके फिर कहते हैं ये हमारे हीरो हैं। मैं नहीं मानता इनको, ये हीरो नहीं थे, लूटर थे, बैकवर्ड्स थे, ओप्रेसर थे। मैं नहीं मानूंगा बात उनकी। हिस्ट्री चेंज करने से चेंज ना करें, लेकिन अपनी नस्ल को बताएं कि इन्होंने क्या जुल्म किया था। जी हम लोग थे, जुल्म करते थे और बारबेरियन थे उन्होंने, जो कुछ किया भारत के साथ। दुख होता है मुझे जो उन्होंने किया, मैं ज्यादा हाँ। लेकिन उसमें मैं एक और बात इसके साथ ऐड करना चाहूंगा, दुनिया में मुसलसल जुल्म होते रहते हैं, रुक नहीं सकते। एक और चीज कंडेम करने को मेरी ख्वाहिश थी आज कि कल ट्यूजडे वाले दिन मस्जिद अक्सा के ऊपर वहां अंदर फिर दोबारा इजरायली सिपाही अंदर गए हैं, और जिस चीज की सजा देने की कोशिश की गई है, मैं इसका पहले तो बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि उसके उसकी केयर गिवर जॉर्डेनियन गवर्नमेंट है। मस्जिद अक्सा की थर्ड होलियस्ट प्लेस इन इस्लाम, और उस पे कल उन्होंने इजरायली सिपाहियों ने अंदर जाके मारा लोगों को, और उसकी वीडियोस आ चुकी हैं जिस तरीके से मार रहे थे। 500 के करीब नमाजियों को उन्होंने अरेस्ट कर लिया। उनका कसूर, उन पे एलिगेशन ये है कि ये आके नमाज पढ़ के घर नहीं जाते थे, यही सोते थे रात को, इसलिए अंदर पुलिस ने घुस के मारा उनको। अब उस पे जॉर्डेनियन कहते हैं कि ऐसी हमारा जो इनके साथ टर्म्स थे उसमें ऐसी कोई बात नहीं, के अंदर वो रह सकते थे अंदर। वो कहते हैं नहीं, रमजान के सिर्फ आखिरी दिनों में ये रह सकते, आखिरी 10 दिनों में रह सकते जी, अकॉर्डिंग टू इजराइल, इसलिए हमने अंदर घुस के मारा। लेकिन रमजान के महीने में अंदर घुस के मारना, और आज आपका पास ओवर है, पास ओवर से एक दिन पहले अंदर घुस के मारना, आप बंदूकों के साथ थे और आप एतराज कर रहे हैं कि उन्होंने अंदर पत्थर इकट्ठे किए हुए थे, अंदर उन्होंने पटाखे शुरलियां जो थी वो आपकी वो थी उनके पास, आपको एतराज है कि उन्होंने पत्थर अंदर क्यों रखे जबकि आप बंदूकें लेके घुस रहे हैं अंदर, और फिर 500 लोगों को। दूसरी साइड पे आप इस वक्त मिडल ईस्ट के साथ लवी डबी हैं, दूसरी तरफ आप यूएई के अंदर आप तिजारत कर रहे हैं, दूसरी तरफ मोहम्मद बिन सलमान आपका ही आपको हीरो बना रहा है। लेकिन दर हकीकत आरजू मैं आज फिर एक बात कहूंगा, इसराइल के पास क्लीन चिट है करने की। मोहम्मद बिन सलमान जो है उनका और इस्लामिक वर्ल्ड का इनके साथ डील ये है, वही डील है जो जरदारी साहब की अमेरिकन्स के साथ थी, आप ड्रोन हमले करते जाओ हम मुजम्मत करते जाएंगे। अगर ये इनकी जरूरत नहीं थी इस तरह रमजान में अंदर घुस के मारते, लेकिन टर्की ने आज उसके खिलाफ बड़ा टफ स्टैंड लिया है, जॉर्डन वालों ने भी क्लैरिफाई किया है, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान हमारा जो अगला हीरो बनना चाहता है टर्की को क्रॉस करके, उसकी तरफ से कोई इसका ना मुजम्मत आई है ना बयान है। और मुजम्मत शायद आ भी जाए क्या फर्क पड़ता है, वही है ना, हम मुजम्मत करते रहेंगे आप मारते रहो। तो ये दर हकीकत मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये भी दुनिया को खराब करता है जब इस वक्त मुल्क अपने मर्जी अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन जब लेते हैं तो फिर इसी तरह होता है। आप कुछ कहें? मगर सर ये तो सऊदी अरब में भी होता है, वो कहते हैं नमाज के बाद मस्जिद को ताला लगा देते हैं, बाहर निकलो। और इस वक्त रमजान में भी सऊदी अरब ने कह के रखा है कि जी लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं होगा, लोग वहां मजमा नहीं लगा सकते, और बस नमाज पढ़ें और तरावी पढ़ें और उसके बाद अपने घरों को जाएं। अगर ये चीज मना थी और उसके बाद भी अगर वो मस्जिद के अंदर पत्थर लेके बैठेंगे, तो दूसरी तरफ से अगर इस किस्म का एक्शन लिया जाएगा तो जाहिर है वो तो विलन ही बन जाएंगे ना इसराइल वाले। दो चीजें यार उसमें मैं बताना चाहूंगा, एक तो जो जॉर्डेनियन उनके जो केयर गिवर हैं जो इस वक्त उसके वो कहते हैं ऐसी कोई शर्त मौजूद नहीं, नंबर वन। अब दूसरी बात उसमें ये कहूंगा कि इनको इतराज था तो उनकी एंट्री बंद कर देते, घेरा डाल देते, अंदर घुस के मारने की जरूरत नहीं थी, दो। तीसरी आज इन्होंने फिर उस पर कंडीशन लगा दी है, 30 साल से नीचे उम्र का अंदर बंदा एंटर नहीं हो सकता, बूढ़े बेशक अंदर चले जाए। लेकिन चले ठीक है, हो सकता है उन्होंने खिलाफ वर्जी की हो, मैं मानता हूं, मैं ये नहीं कहता कि अंदर वो कोई बड़े दूध के धुले हुए थे, लेकिन अंदर घुस के उनको मारना जरूरी था रमजान के महीने में। वार्निंग देते, बिजली काट देते उनकी, पानी बंद कर देते उनका, घेरा डाल लेते, ना अंदर जाने देते ना निकलने देते, लेकिन कैमरों के ऊपर अंदर घुस के मारना, वो भी एक होलियस्ट प्लेस पे, देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर दैट रमजान के महीने। मैं मान लिया बात आप सही कह रही होंगी, ठीक है कोई बात नहीं भाई, उनको मारो ना कमरों के ऊपर, कैमरों के ऊपर घेरा डाल लो ना, घेरे तो वैसे भी डाल के बैठे हो आप वहां, आप बिजली काट दूंगी क्या कर लेंगे, पानी बंद कर दूंगा क्या कर लेंगे। लेकिन मैं आरजू ये कहता हूं दर हकीकत जज्बात का, फिर भी किसी भी मजहब का, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मस्जिद, मैं कहता हूं कुछ मंदिर होता वो यार, मैं होता हूं गुरुद्वारा हो, चर्च हो,
अंदर घुस के मारना, खासकर रमजान का महीना जब पता हो गया अंदर रोजे रख के बैठेंगे। मैंने मान ली बात, रात रहते थे ना वहां पे, कौन सा अंदर एटम पंप बना रहे थे वो, पता नहीं रख के बैठे हुए थे ना, आप तो क्लाशन कोफे, आप तो असला लेके घुसे ना अंदर, क्या कर रहे थे वो? वो तो वैसे ही करप्ट कौम है यार, मैं वो बता रहा हूँ, अगर उनके पास इतनी ताकत होती तो इस तरह जुल्म सहते वो तो खुद करप्ट है। पनामा लीक्स के अंदर आपके वो हमास वालों के सबके नाम थे उसमें, ये तो यूनाइटेड नेशन का जितना पैसा जाता है करप्शन के, करप्शन में खा जाते हैं वो। उन्होंने पहले अपनी जमीनें इसराइलियों को बेची गई यहूदी, दूसरी एक बात, मैं कानून का तालब इल्म हूँ, कानून के तालब इल्म के हिसाब से अगर मैं बैठा हूं यहाँ पे गन लेकर, मेरे पीछे दरवाजा खुला है, सामने मेरे मुझ पे को गन लेके अटैक करता है और मैं, मेरे पास भी गन मौजूद है, मैं उसको गोली नहीं मार सकता। कानून ये कहता है तुम्हें, तुम्हारे पीछे दरवाजा खुला था, तुमने रिट्रीट क्यों नहीं किया, भाग क्यों नहीं किया? बैलेंस ऑफ पावर, छुरी वाले को बंदूक से गोली नहीं मारी जा सकती, पत्थर जिसके हाथ में है उसको एटम बम नहीं मारा जा सकता। बिल्कुल सर, बैलेंस ऑफ पावर देखना होता है। लेकिन इनको वही, जैसे आप कह रहे जी, मैं वो ये देखना चाह रहा, मैं बताना ये चाह रहा था कि दर हकीकत ज्यादती हुई, पामाल किया गया है एक होलियस्ट प्लेस जो कि जिसका इस्लाम में थर्ड पोजीशन है, उसके अंदर जूतों समेत घुस के लोगों को गिरफ्तार करना, बुजुर्गों को मारना, मैं उसको कंडेम कर रहा हूं, चाहे वो चर्च होता, मंदिर के अंदर घुस के को मारे, मैं उसको भी कंडेम करूंगा। बिल्कुल, जूतों समेत इनको कोई रूल बना, बिल्कुल, और इनको कोई रूल बना देना चाहिए कि वहां पे कोई नहीं जा सकता या इस तरह से नहीं रह सकता, वो बेहतर है बजाय इस किस्म की मारपीट के। लेकिन सर अगर हम बात करें कि ये ब्रिक्स की ये लोग कोई नई करेंसी लेकर आ रहे हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, क्या कहेंगे? आरजू, इसके अंदर सिर्फ एक बात निकल रही है, अमेरिका जो है वो उसकी हालत खराब है। इस वक्त 160 बैंक हैं यहाँ पे, सिलिकॉन वैली बैंक का जो स्कैंडल निकला उसके बाद 100 सबसे बड़ा स्कैंडल, तो सिलिकॉन वैली को भी छोड़े, सबसे बड़ा स्कैंडल तो जब अफगानिस्तान से ये डेड बॉडियां उठाकर $85 बिलियन का असला वहां छोड़कर जब भागे थे तो दुनिया ने देख लिया था कि इनके हालात नहीं ठीक हैं, इनके इंटरनल और इंटरनेशनल दोनों हालात खराब हैं, एलाइज जो है वो मक्खियों की तरह उड़ना शुरू हो गए। इससे पहले भी बताना चाहूंगा कि सऊदी अरेबिया और ईरान की चाइना में जाके सुलह होना, इनका इनके हाथ से मिडल ईस्ट निकलना था, एक बात। अब मैं दूसरी बात बताना चाहूंगा कि अगले दिन मलेशिया ने चाइना के साथ मिलकर एशियन मॉनिटरी फंड बनाने का फैसला कर लिया, नंबर दो, उसके बाद एशिया भी निकल गया से। ब्राजील ने सीधा चाइना के साथ अपना डील कर ली, हम युआन में डील करेंगे, साउथ अमेरिका भी इनके हाथ से निकल गया, अफ्रीका के अंदर पहले ही उनके एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट हैं, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो भी इनके हाथ।